हेलो, अस्सलाम वालेकुम. सो गाइस, अभी मैं डिक्शन का स्क्रिप्ट जो है वो रीड करूँगा आप लोगों के सामने. वैसे तो 2 पेजेस पे है मुश्तमिल, लेकिन मैं 1 पेज रीड करूँगा आप लोगों के सामने क्योंकि इतना टाइम नहीं है. आज वैसे परफॉर्मेंस है सो मुश्किल है. सो ये है एक्चुअली, सुने, अखबार में आया है कि गुज़श्ता बुध को गढ़ी शाहों में अंजुमन ए मोइन-ए-लम्मात का जलसा हुआ जिसमें नए साल के लिए अहदेदार मंतखब किए गए. मोइन का मतलब है मददगार, इयानत करने वाला. अम्मा जमा है मौत की. हमने ये नाम पहले बार सुना था, लिहाजा इसके माने कुछ और कर समझ में आए. लेकिन जब समझ में आ गई तो हमने फौरन अपने एक डॉक्टर दोस्त से कहा कि देखो, तुम लाहौर वाले कराची वालों से बाजी ले गए, अपनी अंजुमन बना ली. जो काम तुम लोग यहाँ फर्दन फर्दन करते हो, अब वहाँ इज्तिमाही तौर पर हुआ करेगा. अब ये आबादकारी वालों पर जोर देकर कब्रिस्तानों के लिए मजीद जमीन मंजूर करा लेंगे. यहाँ तुम लोगों से ये भी ना हो सका. इधर से हमारी तवज्जो हटी तो ख्याल आया कि हो ना हो ये मिलावट का काम करने वालों की अंजुमन है, जिन्होंने लकड़ी की बुरादे, बट्टे के लाल, ईंटों की सफूक और कीकर के चाल वगैरह की छोटी सनतों को तरक्की देकर इतना बड़ा बना दिया. अब तक ये चीजें ज्यादा से ज्यादा तामीरी मकानात या ईंधन के काम की समझी जाती थी. हल्दी, मिर्च, मसालों और चाय के तौर पर इनका इस्तेमाल कोई जानता भी ना था. मोबाइल ऑयल भी फकत बसों और ट्रकों वगैरह में इस्तेमाल होता था. ये किसी ने ना सोचा था कि ये घी का निर्मल बदल है और इससे इंसानी जिस्म की गाड़ी भी खुशुसलूबी बल्कि ज्यादा तेजी और तेज रफ्तारी से चलाई जा सकती है. जिंदगी की राह जो पहले 60, 70, 80 साल में तय होती थी, मोबाइल ऑयल बाकायदगी से इस्तेमाल करने वाले इसे 2-3 ही साल में तय कर लेते हैं. तो ये था पहला पेज, और दूसरा जो पेज है काफी लंबा हो जाएगा यार. सो इसलिए यार इसी पे गुजारा कर लेते. एंड मैं अभी स्टिल याद कर रहा हूँ, मतलब दूसरा पेज भी मैं याद कर रहा हूँ, लेकिन इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि ये थोड़ा ज्यादा याद हो जाए. और वो भी याद कर रहा हूँ, मतलब याद तो वो भी है लेकिन इतना पक्का नहीं है, पर आई एम ट्राइंग कि वो भी पक्का हो जाए. शायद जो हमारी फाइनल जो परफॉर्मेंस होगी उसमें काम आ जाए. अल्लाह हाफिज़.